tear the block up with my single. Yeah, yo, bitch, she wanna dip, she see the drip, she wanna mingle. Take them trips and make them flips, I stack my chips up like a Pringle. I be preaching all my ism, but it jam just like a jingle. Star choosing, huh? 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 तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका हमारे ब्लॉग में बहुत ज़्यादा दिल से हार्दिक स्वागत है। आपको बताना चाहेंगे एक बात कि अगर कोई बंदा मेरे ब्लॉग्स में ये पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ ये वाली ब्लॉग मत देखो। तुम अक्टूबर 2020 शिलोंग के कोई ब्लॉग देख लो जाके, ये वाला देखोगे तुम्हें बोर लगेगा, तुम सोचोगे बेकार से बंदा है, तो तुम ये वाला ब्लॉग मत देखो। आजकल हम कहीं जा भी नहीं रहे तो फिर ऐसे बेकार से ब्लॉग बन रहे, ठीक है? तुम पहले दूसरे ब्लॉग देख लो। अब चलो, अब ये बात हुई हमारे जो रेगुलर कस्टमर हैं, जो रेगुलर हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे बात होगी। अब तो भाइयों, तुमको जैसे मैंने बताया था कि सीन्स ऐसे हैं कि आजकल हम क्वारंटीन है तो हम कहीं जा नहीं सकते, पर कैसा लगा मेरा मजाक? मैं अरे यार, मेरा भाई सुबह से अगर कोई बंदा दिन भर घर में बैठा तो उसे बोर लगेगा। फिर मैंने बोला, वैसे मुझे 2 दिन हो गए थे नो सिम्टम्स भगवान की दुआ से, तो फिर हम मेरे दोस्त ने जीवन भैया, तो उन्होंने बोला कि लेट्स गो कहीं घूम के आते हैं थोड़ा। और सुबह से शाम तक ही कमरे में एक ही रूम में बैठे बैठे बोर जाते, तो फिर मैं उनके साथ निकल गया बाहर घूमने के लिए। तो पैसे तो थे नहीं हमारे पास, तो हमने खाली गए सबसे पहले रिलायंस ट्रेंड, वहाँ पर विंडो शॉपिंग करी। देखो जी, तो भाई हम आए थे आज बड़े दिन के बाद बाहर निकले हैं। आज हम रिलायंस ट्रेंड आए अपने बरेली के, बड़े दिन के बाद आया हूँ मैं, मतलब 1 साल हो गया अब आ रहा हूँ। अब थोड़ा चेकआउट करेंगे, इतना तो है नहीं अभी। हाँ, 50% ऑफ है यार इसमें, पर ये लेके कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या नहीं कहते ये पहने कहाँ मैंने कहते इसमें 50% 500 रुपये तक पहुँच जाएगी ना ये। ये अच्छी लग रही है यार, ऑरेंज कलर हमें हमेशा पसंद आता है, लेकिन हम कभी लेते नहीं। पर होगा नहीं होती ना इतनी खरीदने की, ऐसे भी सही लगने वाली है ना। हाँ, पर आपकी तो बॉडी, अब मैं पहनूंगा तो मेरे ऐसे लगेगा कि डंडे के ऊपर टांग दिए, तो आप खरीद सकते हो कितनी? तो देखो भाई शर्ट तो काफ़ी अच्छी लग रही है, पर पैसे नहीं है ना हमारे पास, पैसे का तो मसला है। और उसके बाद फिर हमने दूसरी शर्ट देखी, तो भाई मुझे ज़्यादातर ना स्पोर्ट्स वेयर पसंद आते हैं, तो ये ऑरेंज कलर की जो स्पोर्ट्स वेयर में शर्ट थी ना, ये काफ़ी कैन शर्ट थी, तो पर मुझे बेस्ट लग रही थी मेरे लिए, तो फिर हमने सोचा ले लें, पर तुम्हें पता है हमने नहीं ली। तुम सबने एक बार ली तो थी हमारी, तो बहुत ग्रीन तोता कलर वाली, सब मेरी, मेरे पे थोड़ी थी, मेरे पे तो बहुत इन्वर्टर वाली, 500-600 रुपए की सही लग रही है, ये सही लग रही है। पता है इसको सबसे बढ़िया था, थोड़ा सारा पानी में डुबाया निकाल दिया, ये देख वो जो ये 500 रुपये सही मिल रही है, पर इसमें कुछ है नहीं। ये कपड़ा कैसा है देखो, अभी ऐसे लग रहा है वो, क्या सीन है वो, कुछ नहीं है ये गर्मी के लिए जीवन भैया। फिर शर्ट वर्ट देखने के बाद फिर हमने सोचा चलो ये अब देखिए रहे तो एक नज़र जीन्स में भी मार लेते हैं। फिर हमने जीन्स में देखी, जीन्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी थी, जीन्स का कपड़ा भी काफ़ी सेक्सी था, पर अगेन हमारे पास पैसे नहीं। नीली शर्ट और ये लेकिन आप जीन्स खोलने में टाइम दिम खुद बड़ा कर ले रहा हूँ, देख रहा हूँ पड़ी है यार, एक लो ट्राई करके देखो कितनी की है। अब जीन्स तो देख ली, उसके बाद फिर हमें दिखी ये खतरनाक टी शर्ट्स, जो तुम्हारी मे भी फेवरेट हो, मेरे को उतना कुछ खास पसंद नहीं आता ये सब, मैं देखता नहीं। देखो ये देखो ना, मार्बल एवेंजर्स, ये कौन है पता नहीं, थोर है। तो वो शर्ट चेंज कर लेते हैं, मैं लोग पहन ने ले ली है ये ये ले ली है ये जहर लग रहे हैं हम तो, आ जाओ आ जाओ इसी में आ जाओ। हाँ जी, तो फिर हमने ये करने के बाद हम ट्रायल रूम में गए, हमने ट्रायल करी वो शर्ट और फिर पहन के देखी, फ़ोटो वोटो खींची जैसे बहुत सारे लोग करते हैं उसके बाद, लेकिन ली नहीं। हाँ जीवन भैया है, ये मेरे मित्र हैं बहुत पुराने हम दोनों ने ये शर्ट करी अभी से चेंज करेंगे, लेकिन पहले चलो हम जा रहे हैं, हमने वो जो शर्ट ले ली वो हमारी हो गई है। उसके बाद फिर हमको एक अपनी दोस्त से मिलना था, मतलब हम दोनों की दोस्त थे जीवन भैया और मेरी, तो हम उनके पास गए और वो हमको मिलने के लिए फिनिक्स मॉल आई थी, तो
तो हम फिनिक्स मॉल गए, फिर वहाँ से फिर हमने फिनिक्स मॉल उनके साथ थोड़ी चैटिंग वैटिंग करी, फिर वहाँ पर हमने थोड़ा खाया हुआ KFC में। देखो देखो भाई सीन्स कुछ ऐसे हैं, हम अभी यहाँ क्या बोलते हैं मैकडोनल्ड्स खाना खाने के लिए आए थे और खा लिया। मेरे दोस्त है ना, वो मैं अभी उनके साथ चिल आउट कर रहा था, मैं नहीं चाहता मैं बीच में कैमरा यूज़ करूँ उसको रिकॉर्ड करूँ, तो उसको निगेक्ट करना। हम यहाँ भी चिल कर रहे हैं तो इसीलिए मैं उसको शूट नहीं करूँगा, ठीक है? अभी हम खा रहे हैं, उसके बाद बाहर मिलेंगे, ठीक है? फिर हम मस्त करके बैठे बाइक में, घर की तरफ आए और जो दिन था काफ़ी सेक्सी था, चला गया, अच्छा चला गया, मतलब अनएक्सपेक्टेडली एक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई जो हम चाहते थे, मज़ा आ गया। फिर मज़ा आने के बाद क्या था, फिर हम घर पे आए मस्त करके, फिर अपना रेस्ट वेस्ट किया, सैनिटाइज वैनिटाइज किया, उसके बाद खाना खाया, सो गए। तो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही था, मतलब ये रेंडम ब्लॉग था, मुझे पता नहीं था कि जून में आ जाएंगे अचानक, तो वो आ गए, फिर हम घूम लिए। बाकी कल मेरा बर्थडे, पहले बता रहा हूँ विश कर देना, 20 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, तो कल का ब्लॉग थोड़ा सा हो सकता है ख़तरनाक, मतलब ख़तरनाक क्या, हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो वो हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैं अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा होगा तो ये यहाँ पर रहने वाला, उसको सॉरी बोलूँगा, क्योंकि वो सब बोलते भाई आ जा घूम मिलने के लिए, और मैं उनसे मिलने के लिए गया नहीं, और बोलेंगे कि मैं घूमने चला गया, लेकिन तब उनको सॉरी बोलना चाहता हूँ। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही था, आई होप आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो गिव इट अ लाइक। बाकी मिलेंगे कल के ब्लॉग में, सॉरी आजकल ब्लॉग थोड़े से लो एनर्जी बन रहे हैं, क्योंकि पता ही है तुम्हें। चलो पीस आउट। अरे रुक जाओ रुक जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, बाकी हमने एक नया चूल्हा लिया है, तो चूल्हा मतलब समझ रहे हो ना, जिसमें खाना पकाते हैं, तो देखो फिर 30 FPS आ रहा है तुम्हारा भाई, बताना कैसा लग रहा है मेरा स्लो, मतलब 30 FPS सिनेमैटिक। ओके ठीक।